माघ के महीने में पड़ने वाले भगवती आराधना के 9 दिनों को गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है और आज से कोट नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इन दिनों में कोट रूप से भगवान शिव और शक्ति की आराधना की जाती है और उनका विधान है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में नौ दुर्गा की सामान्य रूप से आराधना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्र में माता की आराधना गुप्त रूप से की जाती है और अषाढ़ महीने में जब गुप्त नवरात्रि आती है तो वामाचार उपासना में माता को प्रसन्न करते हैं। माघ महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र में शुक्ल पक्ष का खास महत्व होता है। गुप्त नवरात्र ऐसा समय होता है जब गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इन उपायों को माध्यम में चमत्कारी शक्तियों का मालिक माना जाता है और जो लोग सिद्धि पाना चाहते हैं उन्हें इस गुप्त नवरात्र में नौ दुर्गा की गुप्त रूप से अवश्य साधना करनी चाहिए। नौ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजन करना चाहिए। सबसे पहले गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी सर्वेश्वरकारिणी माता को धूप दीप और प्रसाद अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला का हर समय अपना ही महत्व होता है और रुद्राक्ष की माला का उपयोग हर तरह की पूजा पाठ में किया जाता है। रुद्राक्ष की माला लेकर प्रतिदिन 11 माला ओम सर्वेश्वरकारिणी देवः नमो नमः का मंत्र जाप जरूर करें। इसके बाद माता को पेठे का भोग लगाएं। इसके पश्चात अपनी मनोकामना के अनुसार नीचे दिए गए किसी मंत्र का जाप जरूर करें। ये काम आप पूरे 9 दिनों तक करते रहें। अगर आपको अकाल मृत्यु का भय सता रहा है या लंबी आयु चाहते हो, गृह जनित दुष्भाव से मुक्ति पाना चाहते हो, कलस्वर के दुष्भाव से बचना चाहते हो, मांगलिक प्रभाव मुक्ति चाहते हो तो काली की साधना करें। कीम हानि हनुमा दक्षिणे काली के स्वाहा। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। हकीक माला से 9 माला जाप जरूर करें। उच्च शिक्षा प्राप्ति की कामना हो या दिव्य बुद्धि की चाहत हो, रचनात्मक पाने के लिए माँ तारा की साधना नीले कांच की माला से 12 माला मंत्र जाप प्रतिदिन करें। हानिम स्त्रीम होम फट। नेक्स्ट लाइन स्पेशल की रिपोर्ट।